हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। टॉकर्स पॉइंट इंदौर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं मध्य प्रदेश कृषि प्रवेश परीक्षा यानी पीएटी, जिसका पूरा नाम प्री एग्रीकल्चर टेस्ट है। इसकी संपूर्ण जानकारी जिसमें हम आपको बताएंगे कि एमपी पीएटी के एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं, इसकी एप्लीकेशन फीस क्या होती है, एमपी पीएटी की काउंसलिंग कब होती है और इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसमें कौन कौन से कोर्सेस होते हैं और इनकी इनमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एम पी पी टी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसमें कितने एम पी के कॉलेज हैं। यदि आप कंप्लीट और सही जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए अब जानते हैं एम पी पी टी के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं 3rd week of March में। लास्ट डेट होती है इसको फिल करने के लिए 1st week of April। और इसके एडमिट कार्ड कब आते हैं, 3rd week of April में आते हैं। इसकी एग्जाम डेट होती है जून के एंडिंग में, लास्ट ऑफ जून में अनाउंस होती है। और आंसर की आपको लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में मिल जाती है। इसका रिजल्ट आता है 1st week of May में और इसकी काउंसलिंग होती है मई जून में। ये तो एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन थी। हर साल ऐसे ही होता है, कभी कभार चेंज हो जाता है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अब इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में जानते हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ₹500 इसकी फीस होती है। SC ST OBC PWD के लिए ₹250 इसकी फीस होती है। अगर आपको फीस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। इसकी इन्फॉर्मेशन नीचे मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दे देता हूँ। आइए अब जानते हैं MPPET का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। एग्जाम पैटर्न जो होता है इसका ऑफलाइन होता है। एग्जाम मोड जो होता है ऑफलाइन होता है। पेपर बेस्ड टेस्ट होता है। 3 घंटे की एग्जाम होती है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में एग्जाम होती है। इसके अंदर 200 क्वेश्चन आते हैं। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। इसके अंदर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। आइए इस एग्जाम के बारे में कुछ और बताते हैं। ये एग्जाम कौन लेता है, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड लेता है, जो जिसको अपन व्यापम बोलते हैं। इस एग्जाम का नाम होता है मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MPPAT कहा जाता है। इस एग्जाम के अंदर कौन कौन से कोर्सेस होते हैं, BSc एग्रीकल्चर, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होता है, BSc फॉरेस्ट्री होता है, BSc हॉर्टिकल्चर होता है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आते हैं लेकिन एग्जाम ऑफलाइन होती है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे आप कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और ये एग्जाम कौन स्टूडेंट दे सकते हैं, हर 12th क्लास का स्टूडेंट दे सकता है। अगर आप बायोलॉजी का स्टूडेंट भी दे सकता है, PCM का स्टूडेंट भी दे सकता है, आर्ट्स का स्टूडेंट भी दे सकता है। अब और भी इंफॉर्मेशन हम आपको वन बाय वन बताते हैं। PCM स्टूडेंट्स के लिए BSc हॉर्टिकल्चर होता है, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, BSc एग्रीकल्चर होता है, BSc फॉरेस्ट्री होता है। PCM स्टूडेंट के लिए 11th-12th का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का इसमें सिलेबस आता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 नंबर का इसका पेपर होता है। 3 घंटे की इसकी एग्जाम चलती है। फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 100 क्वेश्चन आते हैं। और इसका लेवल जो इंजीनियरिंग की एग्जाम जेई मैथ्स होती है उससे काफ़ी ईजी जाता है। अगर कोई PCM का स्टूडेंट मन लगा के पढ़ाई करता है तो वो 200 में से 140 या 150 मार्क्स भी ले आता है तो उसका सिलेक्शन जाता है। इसका अप्रॉक्स में कट ऑफ हर साल 140-150 तक जाता है। अगर कोई PCM का स्टूडेंट 200 में से 140-145 मार्क्स ले आता है तो उसका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। ये PCM के लिए इसके सिलेबस कोर्सेज हैं। इससे ये इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। इसके सिलेबस में 11th-12th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आता है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर और आर्ट्स स्टूडेंट के लिए। एग्रीकल्चर और आर्ट्स स्टूडेंट के लिए BSc एग्रीकल्चर होता है, BSc फॉरेस्ट्री होता है, BSc हॉर्टिकल्चर होता है। BSc फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर आर्ट एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं और PCM वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं। इसमें एग्रीकल्चर फर्स्ट का जो पेपर होता है 100 क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चर सेकेंड और थर्ड के अंदर 100 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। ये भी 200 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 3 घंटे की एग्जाम होती है। अब इसी से रिलेटेड आपको बायोलॉजी के लिए बताते हैं। तो जो बायो के स्टूडेंट रहते हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं और इस एग्जाम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बायो के स्टूडेंट्स के लिए इसके अंदर कोर्सेज होती हैं BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, BSc एग्रीकल्चर। इसके अंदर भी फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आते हैं और बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी 200 क्वेश्चन होते हैं। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है इसके अंदर और 3 घंटे का इसका एग्जाम होता है। और बायो वाले बस के स्टूडेंट और PCM स्टूडेंट एग्रीकल्चर तीनों की ये मैंने सिलेबस दिए। इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अब PAT की मार्किंग स्कीम के बारे में बताते हैं। इसके अंदर जो अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलता है और इसके अंदर कोई रॉन्ग करने पर
कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो ये तो थी इन्फॉर्मेशन पीसीएम स्टूडेंट के लिए, एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, बायोलॉजी के लिए और मार्किंग स्कीम। आइए और जानते हैं इस पूरी इन्फॉर्मेशन को, एक बार और समझाते थे जिनको बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री करना है, तो वो पीसीएम के स्टूडेंट होते हैं जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर देना पड़ता है, जिसमें फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 100 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। जिनको बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी हॉर्टिकल्चर करना होता है वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट होते हैं, जिनको एग्रीकल्चर फर्स्ट के 100 क्वेश्चन और सेकेंड और थर्ड के 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आते हैं। बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए वो स्टूडेंट कर सकते हैं जिनका बायो सब्जेक्ट होता है, जिनमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के होते हैं, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के 50-50 क्वेश्चन आते हैं और बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन आते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर वो स्टूडेंट कर सकते हैं जिनने 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ है। अगर आप जो पीसीएम या पीसीबी के स्टूडेंट है, तो अगर आप ये इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ एग्रीकल्चर का पेपर भी देना पड़ेगा। और ये तो थी एक बार दो, मैंने ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको टू टाइम्स बता दिया, एक बार इसमें भी बता दिया और ऊपर भी इसको मैंने आपको समझा दिया था। आइए बताते हैं ये जो व्यापम एग्जाम कंडक्ट कराता है इसकी कौन कौन सी सिटीज होती हैं। ये जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो इसके टेस्ट सेंटर आपको बनना पड़ता है। जब भी आप एप्लीकेशन की प्रोसेस करते हैं तो तीन सेंटर आपको चॉइस करना पड़ता है। उसके अंदर एमपी पीईटी की जो सिटी होती है, इसका जो एग्जाम सेंटर आता है भोपाल में आता है, इंदौर में आता है, जबलपुर में आता है, ग्वालियर में आता है, उज्जैन में आता है, सतना में आता है, सागर में आता है। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम इनमें से कोई भी सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें आपको एग्जाम सेंटर मिल जाता है। ये एग्जाम ऑफलाइन होती है, इसकी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही बता दी है। एग्जाम सेंटर का आप बिल्कुल ध्यान रखें, जिस भी सिटी से जो आपको नियर बाय है उससे आप फॉर्म भर सकते हैं। मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर की दो यूनिवर्सिटी हैं, एक तो है जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसको JNKVB जबलपुर में है ये यूनिवर्सिटी, इसके नाम से भी जाना जाता है। दूसरी है राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर RBSKVB ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर की दो यूनिवर्सिटी है जिसके एक तो जबलपुर में और एक है ग्वालियर में। कोई भी मध्य प्रदेश के जो कॉलेज हैं वो इन दोनों यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं और इन्हीं से कोर्सेज कराते हैं। अब जानते हैं इंदौर में एग्रीकल्चर का कौन सा कॉलेज है। एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ इंदौर, एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ इंदौर जो है एफिलेटेड है राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से। ये जो कॉलेज है एग्रीकल्चर का कॉलेज है, इसका एड्रेस है ओल्ड सियोर रोड न्यू नियर सेंट पॉल स्कूल, नौलक्का के पीछे साइड पे दिया हुआ है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो आपको देवास बाईपास के उधर ये कॉलेज है, मध्य प्रदेश इंदौर में बना हुआ है। इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर, ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है, फैक्स नंबर है। अगर आप इसके अंदर भी सभी जो एग्रीकल्चर के सभी कॉलेज बीएससी से रिलेटेड है, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको MPPET देना ही पड़ेगी। मैंने केवल इंदौर के एग्रीकल्चर कॉलेज का इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी कॉलेज का नहीं दिया हुआ है। अब आपको बताते हैं एमपी में और भी एग्रीकल्चर के कॉलेज कहाँ कहाँ पे हैं। आइए बताते हैं मध्य प्रदेश के जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के जो कोर्सेज होते हैं कौन कौन से कॉलेज कराते हैं। एग्रीकल्चर साइंस एग्रीकल्चर के जो कॉलेज हैं जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, विदिशा, बालाघाट, ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा और इसके बाद मंदसौर में भी कॉलेज है। जबलपुर में साइंस फॉरेस्ट्री के लिए जबलपुर का कॉलेज बेस्ट है और एग्रीकल्चर के टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए जो टेक्निकल डेयरी इंजीनियरिंग के लिए भी आप जबलपुर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और भी आपको इसमें बताते हैं। आइए आप जानते हैं इसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड विल बी रिलीज्ड 3rd week of April, अप्रैल के लास्ट में इसके एडमिट कार्ड आते हैं। और एडमिट कार्ड जो भी आपने नंबर और पासवर्ड डाला है ऑनलाइन उस पर आपको भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑल्सो ब्रिंग एडमिट कार्ड कैन ऑल्सो वैलिड फोटो आईडी और एग्जाम सेंटर। जब भी आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ वैलिड फोटो आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी आप ले जा सकते हैं। अब इसकी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताते हैं। आइए आप जानते हैं MPPAT काउंसलिंग के लिए इसकी जो काउंसलिंग होती है, द काउंसलिंग सेशन विल बी स्टार्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। इसकी जो काउंसलिंग होती है ऑनलाइन होती है। MPPAT काउंसलिंग सेशन विल बी स्टार्टेड इन मई जून एवरी ईयर। मई जून में इसकी काउंसलिंग होती है, जुलाई में इसके कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। एप्लीकेशन मस्ट बी फिल द नंबर ऑफ चॉइस कॉलेजेस। आप एमपी के कॉलेजेस के चॉइस ले सकती है जितने कॉलेज आपको उसमें डालना है। एंड कोर्सेज, आपको कोर्सेज फॉर्म में भरना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म में आपको कोर्सेज और कॉलेज फिल करना पड़ते हैं। तो अलॉटमेंट जो सीट होती है वो आपकी रैंक
अवेबिलिटी सीट कैटेगरी रिजर्वेशन पे डिपेंड करती है। उसके बाद आपको सीट की मिल जाती है, आपके पास मैसेज आ जाता है और मैसेज जब आएगा तो आपको 7 दिन के अंदर अंदर कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ता है काउंसलिंग के टाइम में। और ये तो काउंसलिंग से रिलेटेड ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में लिख सकते। ये तो थी MPPAT से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके हर क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। और अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने चाह रहे हैं तो आप हमारे दूसरे वीडियोस को भी ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं हमेशा सही और कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। और ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम की है। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं।